इसराइली वजीर आजम ने कहा है कि वो लबनान को भी गजा बना देंगे, यानी कि कोई हद नहीं है और कोई लगाम नहीं है, और यूनाइटेड नेशन फेल्ड है, बाकी इदारे फेल्ड हैं, मुस्लिम ममालिक में इतफाक नहीं है, देर इज़ नो लिमिट टू व्हाट्स गोइंग ऑन एंड वी कैन नॉट इवन इमेजिन अ लिमिट, नो वन कैन इसराइल टू द कंट्री टू हैव सम लिमिट। थैंक यू वेरी मच बतूल, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही कि नेतन्याहू एक बेलगाम घोड़े की तरह पूरी बर्बरियत के साथ जो गजा का हाल किया, उन्होंने 80% से ज्यादा गजा को मलबे का ढेर बना दिया, 42,000 जाने चली गई, प्याक वक्त इसने 4 मुसलमान ममालिक के ऊपर एक अंदाज से हमला किया हुआ है, और बदकिस्मती ये है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। दूसरी जानब वेस्टर्न वर्ल्ड, अमरीका और यूरोप जो है वो ना सिर्फ खामोश तमाशाई बना हुआ है बल्कि इसराइल को शह दे रहा है, इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहा है। मैं पिछले दिनों खुद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल था और ऑब्जर्वर की हैसियत से मैंने सारा कुछ देखा, और मैं आपको बताता चलूं कि जिस अंदाज में मैं इतनी वहां तकरीरें हुई, सब कुछ हुआ, मुजम्मत भी हुई इसराइल की कार्रवाइयों की, लेकिन वहीं पर हमने देखा कि नेतन्याहू ने दनदनाते हुए तकरीर भी की और ढटाई के साथ अपनी इस बर्बरियत, इस सफाकाना नस्ल कुशी का दिफा भी किया। और सबसे बढ़कर यह है कि यूनाइटेड नेशन एक, मैं समझता हूं, रबड़ स्टैंप के अलावा कुछ भी नहीं रहा और एक बेवकूफ सा इदारा बनता जा रहा है, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर तंजीम थी जिस पर दुनिया के अमन का इन्हिसार था। देखिए, दूसरी आलमी जंग के बाद यूनाइटेड नेशन बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाया जाए, और आज जो सूरत हाल है, आज तीसरी आलमी जंग हमारे सरों पर खड़ी है। हामिद साहब, कल CIA के चीफ ने ये बात कही है कि अमरीका को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए जो ईरान की स्ट्रेंथ है, और अगर अमेरिकन ये खुद कह रहे हैं तो ये फिर उनको हथियार भी दे रहे हैं, वो डीएस्केलेट भी करना चाह रहे हैं और करवा भी नहीं पा रहे। देखिए बतूल, बात यह है कि डीएस्केलेट तो हो नहीं सकता जब तक के लगाम नहीं दी जाएगी नेतन्याहू और उसकी जो बर्बरियत करती हुई अफवाज हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान को अगर अंडर एस्टिमेट करेंगे तो खुद दुनिया की गलती होगी, बल्कि बहुत मोहतात अंदाजों के मुताबिक ईरान जो है वो एक मुकम्मल एटमी ताकत बन चुका है और किसी भी वक्त वो अपने एटमी ताकत होने का ऐलान भी कर सकता है। इस सारी सूरत के अंदर अगर ईरान को देखा जाए और अगर ईरान के ऊपर जंग मुसलत की गई तो फिर चाइना और रशिया के लिए इस जंग का हिस्सा बनना नागुजीर होगा, जबकि दूसरी जानिब इसराइल की पुष्ट पनाही अमरीका कर रहा होगा। जो खलीज फारस है और आबनाए हर्म्स है, जहां पर बहरी बेड़े ऑलरेडी अमरीका के भी मौजूद हैं और दूसरी ताकतों के भी हैं, मैं ये समझता हूं कि खलीज के अंदर इसराइल की वजह से आज तीसरी आलमी जंग का खदशा सबसे ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी जानिब हमें यह देखना होगा कि दुनिया आज जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से आगे चली गई है, आज दुनिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। जी बिल्कुल हामिद साहब, ये बहुत अहम नुक्ता है, और आदिल साहब, ममालिक के लिए अब चूंकि न्यूक्लियर न्यूक्स हैं, बहुत कम ऐसे ममालिक रह गए जिनके पास मॉडर्न हथियार ना हो, ये अनइमेजिनेबल है कि ऐसी सिचुएशन हो गई तो क्या होगा, लेकिन अवॉइड करेंगे ममालिक ऑब्वियसली ऐसे किसी सिचुएशन में जाने के लिए, बट ख़तरा तो है। और इसराइली फॉर्मर चीफ ने यह प्रपोज़ किया कि दिस इज़ द राइट टाइम टू अटैक ईरानी न्यूक्स yesterday movie। देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर इसराइल ये करेगा तो हमाकत ही होगी उसकी, क्योंकि जब आप एटम बम की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं या उनके तनसीबात पर इस कस्म का हमला करने का सोच रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ भी जो है वो उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं होगी तो वो इस कस्म के सख्त फैसले लेने से गुरेज नहीं करेंगे। तो बेसी असल चीज़ जो है कि कत्लोगारत पहले फ़लस्तीन में हुई, खामोशी रही, अब लेबनान में हो रही है, तो आलमी दुनिया की खामोशी है, और ये बेहिसी जो है पूरी दुनिया को जो है वो एक जंग की लपेट में लेके जा रहा है। आलमी इदारे, चाहे वो अक़वामे मुत्तहिदा हो, वो अमेरिका और उसके तहादियों को शेल्टर देता है, अरब लीग जो है वो सऊदी अरब और उसके जो ख़ास ममालिक है उनको शेल्टर देता है, बाकी नेटो का भी, आला आलमी इदारों का आप लगता जैसे है कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं रही है, कि इन इदारों के होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जी जी बिल्कुल, यही नुकता लेके आगे बढ़ते हैं सहार साहब, अगर इन इदारों के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और खुदा न खास्ता हालात मज़ीद बिगड़ते हैं, तो अगर अभी किसी की सही नहीं है किसी एक अथॉरिटी की, तो फिर अगर आलमी जंग हो जाए तो फिर किसकी से होगी? Who is going to stop this? How? देखें बतूल, बहुत सारी बातें जो जियो स्ट्रेटेजिक स्पेसेस के अंदर की जाती हैं,
वो एग्जम्पशंस पर बेस की जाती हैं और उसमें कैटेगरी ए, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री एंड वाइस वर्सा जो है वो बनाई जाती हैं कि अगर ये सिचुएशन हुई वो सिचुएशन हुई। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक्चुअली डॉक्टर साहब क्योंकि यहाँ पे हमारे गेस्ट आए हैं उनसे जो है वो सवाल वो करना चाहता हूँ कि अगर सिचुएशन जो है वो ईरान जो है वो इसराइल जो है ईरान के ऊपर अटैक जो है वो करता है तो जो रीजनल एस्केलेशन है उसमें आप पाकिस्तान का क्या रोल जो है वो देखते हैं क्योंकि जी जी आमिर साहब वेरी शॉर्टली कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैव 10 सेकंड्स बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन I must say very important and very relevant question. देखिए खित्ते के अंदर हमने दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान गो के अमेरिका के ज़ेरे असर भी है। Very shortly, Hamid sahab, I have to wind up. Just one sentence, please. I have to wind up. जी जी। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को बहरहाल चाइना और रशिया का साथ देना होगा खित्ते की ताकत। ठीक है, बहुत शुक्रिया।